पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके के महाराणा प्रताप चौक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ई रिक्शा में बैठने को लेकर होमगार्ड द्वारा ई चालक से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। ई रिक्शा चालक से मारपीट की घटना का संज्ञान होमगार्डों के डिस्ट्रिक्ट कमांडर चंदन सिंह द्वारा लिया गया है। पूरे प्रकरण को लेकर मामले में जांच के लिए एक अधिकारी को जांच सौंप दी गई है। वहीं जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी होमगार्ड के ऊपर कार्रवाई का आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया है। अभी हम अपने अधीनस्थों से जो सूचना प्राप्त किए हैं उससे आनंदपाल नाम के एक गार्ड हैं जिनके द्वारा लोको सेट पुल के पास ये जो रिक्शा चालक है इससे जो है मारपीट की गई है और इस प्रकरण की जांच के लिए मैंने अधिकारी नियुक्त कर दिया है और शीघ्र ही जांच करके और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कब का मामला बताया जा रहा है? ये कल रात्रि का मामला है और इसको संज्ञान में आते ही जो है हमारे स्तर से जो है जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और पूरा प्रकरण जब जांच के बाद पता चलेगा तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या सर इस तरीके से होमगार्ड द्वारा किसी को मारना उचित है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं और एक वर्दीधारी संगठन के रूप में हम एक अनुशासित बल हैं और इस प्रकार से सड़क पर किसी को भी इस तरीके से व्यवहार करना बहुत निंदनीय है। कल रात में सोशल मीडिया पर ट्विटर के माध्यम से एक खबर आ रही थी जिसके द्वारा एक होमगार्ड के द्वारा एक ऑटो रिक्शा के चालक को मारपीट की गई थी जिसकी जांच की गई तो पाया गया कि एक पीआरडी कर्मचारी द्वारा रिक्शा चालक की मारपीट की गई थी तो उस पीआरडी कर्मी को यातायात पुलिस की ड्यूटी से हटा दिया गया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को से पत्राचार किया जा रहा है। क्या नाम बताया जा रहा है? ये अमित है, पीआरडी कर्मी का नाम अमित है। कल रात का मामला है ये, लगभग 10:15 बजे ट्विटर के माध्यम से ये खबर आई थी। जैसा कि मैंने बताया कि ये इसको अपने यातायात पुलिस की ड्यूटी से हटा दिया गया है और इसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को लिखा जा रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।